शिवाय शिवजी सदा सदा ओम नमः गुरुजी जय गुरुजी जी संगत गुरु जी अभी मैं गुरुजी के पास बैठ के सोची थी गुरुजी इतने सत्संग हैं एवरी डे इज अ अरेकल कौन सा सत्संग तू मुझे गाइड करो मुझे समझ नहीं आ रहा तो अंकल ने बता ही दिया बड़े मंदिर रिलेटेड uh, तो गुरुजी से कनेक्ट हुए 2016 में गुरुजी ड्रीम में आने लग गए थे अपनी यंग फॉर्म में uh, बहुत यंग फॉर्म में आने लग गए थे और तभी ऐसा रियलाइज़ होता था बहुत डीप कनेक्शन है ड्रीम में पता लग जाता था लेकिन कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिला आई वॉज इन टू मेडिटेशन एंड अदर स्परिचुअल प्रैक्टिस तो 2017 में गुरुजी के मंदिर जाना स्टार्ट किया बहुत डीप कनेक्शन फ़ील हुआ और जाते थे बहुत पीस फील होता था ये लगता था कि अपने घर आ गए वापस तो एक दिन ऐसा हुआ थर्सडे का गुरु जी टेस्ट भी लेते हैं ऑब्वियसली बुलाते हैं तो यू नो ही टेस्ट कि आपका कितना फेथ है कितनी पेशेंस है और कितना प्रेम है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो थर्सडे जनवरी की बात है 2017 uh, और 2018 2018 जनवरी मेरा थर्सडे को मेरे हार्ट में ऐसे कॉल आई कि गुरुजी बुला रहे हैं आई हैव टू गो आई हैव टू गो बट ड्यू टू सम रीज़न मैं जा नहीं पाई गुरु जी को मिलने तो मेरे को ऐसा लगा मेरी सोल ना आज मर रही है मुझे गुरु जी के जाना है मुझे नहीं पता बट अनडेबल सरकमस्टांसिस थे घर पर नहीं जा पाई हार्ट ऐसा लगा इज़ कंप्लीटली ब्रोकन मैं पूरी रात गुरु जी के पास बैठी मेडिटेट किया पूरे दिन पूरी रात आंसू आते रहे कि गुरु जी आज मुझे आना था मुझे नहीं पता क्या रीज़न था पर मुझे आज आना था लेकिन आपने मुझे आज बुलाया नहीं तो अगर मैं आपके पास आ नहीं पाई और रियल में आप शिवो तो आपको आना पड़ेगा तो मैंने पूरा ट्राई किया आई कूड कम यू हैव टू कम इट वॉज़ लाइक अथॉरिटी ऑफ अ चाइल्ड यू नो कि यू हैव टू कम पूरी रात रो रो के सो गए कुछ याद नहीं रहा हफ़्ते बाद क्या हुआ मेरा बेटे को बहुत खांसी थी हमने इंडिया जाना था उससे हफ़्ता पहले क्या हुआ विद इन अ वीक रात का तीन बजे का समय था वो पूरी रात खांसी करी जा रहा था खरी जा रहा था तीन बजे क्या हुआ मैंने देखा एकदम से जैसे रूम में लाइट आ गई मेरा बेटा खांसी करना बंद हो गया बाहर एकदम इंस्टेंट साइलेंस एंड आई कुड एक्चुअली सी इट वॉज़ नॉट अ ड्रीम गुरुजी आए गुरुजी ने वाइट चोला पाया हुआ वाइट कलर के स्पार्कलिंग जोड़े और गुरुजी इतना शाइन कर रहे थे इतना शाइन कर रहे थे मतलब कि वो जो व्यू था गुरुजी का इट्स स्टिल इन माय हार्ट बट मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती गुरु जी मेरे पास आए मेरे बेटे को कुछ पिलाया बेटी को पिलाया फैमिली की मेरे को ब्लेस किया मुझे कहते देख तू मेरे को ला नहीं पाई मैं तेरे को ला गया और मेरे सर पे हाथ रखा और जिस तरह से गुरु जी ने सर पे हाथ रखा रात को तीन सवा तीन का टाइम था मैं रोने लगी बहुत ज़ोर जोर से वो गुरु जी का जो टच था ना सर पे इट टुक मी मैनी 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 डेज़ टू कम आउट ऑफ इट इट वॉज़ एज इफ़ कि मैं चल रही हूँ लेकिन मैं धरती पर नहीं हूँ और वो जिस प्रेम से किया ना ऐसा प्रेम आई थिंक लाइफ टाइम्स में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो उसी वो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब गुरु जी पूरी तरह हार्ट में आ गए और दूसरी बार क्या हुआ मुझे ड्रीम आने लग गया कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग टू गुड समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड विद माई हेल्थ कुछ गड़बड़ होने वाली है सीरियस दो तीन बार ड्रीम्स आए इंट्यूशन होने लगी कि कुछ ठीक नहीं होने वाला तो गुरु से अरदास की मैं गुरु जी मुझे नहीं पता ही क्या है बट जो भी है आप देख लो गुरु जी एक दिन ड्रीम में आए और कहते चाय पी एक सिप चाय पी मुझे कहते आला चाय पी मैंने पूरी चाय पी ली मुझे कहते तू घबरा तेरी सारी बीमारी मैं अपने त ले ली एंड दैट टाइम आई गॉट अ हिंट माय डैड गॉट कैंसर और पापा की हुई पास इन फेबररी तो उसी टाइम ये ड्रीम आया था कि पूरी फैमिली में दो लोगों के साथ ऐसा होने वाला है और उसके विद इन फ्यू डेज़ गुरु जी कहते हैं मैं तेरी सारी बीमारी अपने दिल ली ड्रीम में ही चाय पिला के एंड टचूट गुरु जी पास से सब ठीक है और तीसरा इम्पॉर्टेंट था मेरे पापा को कैंसर था फाइव इयर्स बैक मैं पाँच साल उनको मिल नहीं पाई और मेरे बच्चे इंडिया नहीं गए तो उनको ये था कि बेटा मेरी कीमोथेरेपी चल रही है एक बार मुझे आके मिल जाओ कोविड से पहले राइट बिफोर कोविड मैंने गुरु जी को गुरु जी कोविड है दो बच्चों को लेके जाना है इट विल बी अ बिग बिग थिंग बहुत बड़ा रिस्क है उनकी हेल्थ पे, नो वैक्सीन तब हो ही रहा था आउटब्रेक गुरु जी ने मुझे इंडिया भेजा बच्चों के साथ मैं चल गई ड्रीम में आके कहा, तू इंडिया जा मैं तेरे नाल हाँ इंडिया गए पहला महीना तो ऑब्वियसली रिश्तेदारों को ही मिली जा रहे हैं यू नो पहला महीना तो इट वॉज जस्ट गॉन इन मीटिंग पीपल आई कुड नॉट स्पेंड टाइम विद डैड उनके कीमोथेरेपी चल रही थी हालत ख़राब थी तो so, मेरे आने से तीन दिन पहले जैसे गुरु ने लॉकडाउन लगवा दिया इंडिया में चंडीगढ़ में दो महीने मैं मम्मी पापा के पास रही हूँ हंड्रेड परसेंट मैं मेरे मम्मी पापा एंड मेरे बच्चे वी जस्ट स्पेंड टू मंथ्स कोई नहीं पू लॉकडाउन और इंडिया में ऐसा होता नहीं कि लोग घर पर ना आए इफ़ यू आर देयर तो गुरु जी मेट श्योर की एंड माई डैड वॉज़ लाइक सो कंटेंट कि बेटा तूने ऐसा टाइम स्पेंड तो हमने कभी भी नहीं किया लाइफ में एंड देन क्या हुआ मार्च में मेरी सिस्टर कहती कोविड से जस्ट एक दिन पहले फर्स्ट मार्च 2018 मेरी सिस्टर कहती चल डुगरी चलते हैं वो भी कनाडा से आ गई थी पापा का हमने कीमोथेरेपी स्टार्ट कराना था बहन का यार दो बच्चों के साथ इम्पॉसिबल है कहती चल तो सही हम लोग डुगरी गए द मोमेंट वी रीच डुगरी एक अंकल आए साढ़े सात बजे हमें हम दोनों को बुलाया बच्चों को बुलाया मेरी कज़न भी थी अंदर आ जाओ आप हम चले गए गुरु जी के दरबार में जाके कहते चलो फूलों की सेवा है आपकी वी हैड नो आइडिया इट वॉज़ सो रैंडम ट्रिप वेल नथिंग इज़ रैंडम एवरी थिंग इज़ प्लान्ड बाय हिम लेकिन हमें वो रैंडम लगता है हमने हम तो भी आए हैं उन्होंने हमें सेवा करवाई फूलों की डुगरी में फर्स्ट संडे को होता है लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल कम वहाँ पे आप पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते गुरुजी ने मेरे को मेरे बच्चों को मेरी पूरी फैमिली को अपने साथ एक घंटा बिठा के रखा लिटरली अपने दरबार के एकदम साहब ने मेरे बेटे को सुला दिया वो इतना रो रहा था उसको ही सुला दिया बच्चों को सुला दिया हमें एक घंटा अपने साथ बैठ के ध्यान करवाया एंड डुगरी में हम चल रहे हैं हमें लग रहा है गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं द ओनली रीज़न वॉज द ओनली डिफरेंस वॉज कि हम गुरुजी को देख नहीं पा रहे थे हर मोमेंट पे हमें लग रहा है गुरुजी जैसे अपना डुगरी पूरा गांव दिखा रहे हैं एक एक चीज़ हमें गुरुजी खुद दिखा रहे हैं एंड इतना प्रेम इतना प्रेम आपको कोई यू you नो know, आपको परमात्मा ही दे सकता है फिर पूरा डुगरी का हो गया गुरु जी ने दोबारा दर्शन करवाए बड़े अच्छे से दिखाया एज इफ कि हम लोग ही अकेले आए हुए हैं एंड आई एम श्योर वो हर किसी का ये एक्सपीरियंस होगा गुरु जी ने इतना प्यार किया एंड में क्या हुआ चार बज गए हम सुबह सात बजे के पहुंचे हुए हैं वी वर टायर्ड तो मैं ना सड़क पे आके बैठ गई तो मेरे माइंड में बस यही था गुरु जी आई कैन सेंस यू सो सो डीपली एंड आई कैन सेंस यू आर राइट हेयर बट आप रियली really हो जस्ट ये थाट आया मैं सड़क पे नीचे जाके बैठ गई हम बहुत टायर्ड थे मैंने जैसी आंखें बंद की गुरुजी ब्लैक चोले में जो गुरुजी का बड़ा फेमस बड़ी अच्छा स्वरूप है ब्लैक चोले में एकदम सामने सड़क पे खड़े हुए थे तो ही प्रूव्ड दैट यस मैं तुम्हारे सामने हूँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और जस्ट लास्ट सत्संग मेरे पापा ही जस्ट पासड अवे इन फेबररी तो ऑबियसली आई वॉज़ हार्ट ब्रोकन बट एक चीज़ ये है कि बहुत सफरिंग में थे वो तो गुरु जी ने उनको पेन से रिलीव किया ये हमें बहुत शुक्र था तो मैं दो हफ्ते के लिए अकेले गई थी तो मैं वापस आ रही थी मेरा कोई प्लान नहीं था बड़े मंदिर का ऑब्वियसली आई वॉज़ इन पेन की यू नो सारी पुरानी मेमरीज तो जैसे ही मैं uh, ड्राइव कर रही थी चंडीगढ़ से डेली सीधा एयरपोर्ट के लिए मेरी दीदी का फ़ोन आया तो ऐसा कर तूने हमें मिलने आना है तू बड़े मंदिर आ जा हम बड़े मंदिर में ही मिलते हैं एंड मेरा कोई प्लान नहीं था बड़े मंदिर जाने का मैंने कहा ठीक है तो हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे इतना ट्रैफिक डेली में हमें पौने आठ में बड़े मंदिर पहुंची हूं एंड साढ़े आठ बड़े मंदिर बंद होता है और वहाँ पर जिस तरह से लाइनी थी महंगा गुरु जी आज तो लगता है आपके दर्शन नहीं हो, हो पाएंगे तो जैसे ही मैं पहुँची वहाँ भाग भाग के भाग भाग के लाइनों में लगी तो मैंने अंकल को वहाँ कहा मैं जैसी रुकी ना मैंने अंकलों का अंकल दो मिनट दर्शन करने दो वो कह रहे थे नहीं चलो पीछे से एक अंकल आए आप आंटी सामने जा खड़े हो जाओ गुरु जी के मैं गुरु जी के पास खड़ी रही और पता नहीं क्या था आई जस्ट कैप्ट क्राइंग दस पंद्रह बीस मिनट मेरी आँखें बंद थी मुझे होश नहीं था पर बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने जैसे गुरुजी ने मेरे को पूरी तरह ना उस पेन से रिलीज़ कर दिया आई जस्ट क्राइड एंड क्राइड गुरु जी ने लंगर कराया जैसी लंगर किया मंदिर बंद हुआ द इंस्टेंट गुरु जी ने लंगर करवाया मंदिर बंद हुआ और मैं सीधा एयरपोर्ट पर आ गई तो इतनी मतलब कि गुरु जी एक वट इज़ गोइंग ऑन इन साइड यू ही टेक्स केयर ऑफ एवरी थिंग और एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन इज़ कि जितना गुरु जी हमसे प्रेम कर सकते हैं no one on this earth can even reach that not even 0.1% mm -hmm. the only thing guruji need from is from us is 100% unconditional love and 100% surrender and 100% faith doesn't matter where we are फेथ और सरेंडर हंड्रेड परसेंट है ना और पता है कि जो वो कर रहे हैं ठीक है गुरु जी दुनिया पलट देते हैं दुनिया चेंज होए ना होए आपके लिए गुरु जी आपकी दुनिया पूरी तरह पलट देंगे ही कैन डू एनी थिंग ही जस्ट नीड हंड्रेड परसेंट लव दैट्स अबाउट इट थैंक यू